कहानी के स्टार्टिंग में क्यूमो को दिखाया जाता है एक होटल में। यहाँ पे वो एक रूम को नॉक करने लगती है, तभी उसका दरवाजा खुलता है और एक पर्सन उसका हाथ पकड़ के उसे रूम के अंदर खींच लेता है। वो यहाँ पे मिस्टर लिंजा होते हैं, जो कि उसे देखते ही उसे किस करने लगते हैं। क्यूमो यहाँ पे बताने लगती है कि उसकी इनसे मुलाकात 5 महीने पहले हुई थी, जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन उन्होंने एंड मौके पर आकर उसकी जान बचा ली और पहली नज़र में उन्हें देखकर इसे उनसे प्यार हो गया, इसलिए वो उन्हें अपनी लाइफ से कभी नहीं जाने देगी। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब आँखें खुलती है मिस्टर लिंजा की, तो वो उसे देखकर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे मुझे मिलने के लिए क्यों आ गई। क्यूमो उन्हें पीछे से हक करके कहती है, क्योंकि मैं आपको काफ़ी मिस कर रही थी। लिंजा कहता है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? क्यूमो यहाँ पे हाँ में जवाब देती है और कहने लगती है, क्या आपको इस बात से डर लगता है? लिंजा कहता है हाँ। क्यूमो पूछती है, पर ऐसा क्यों? लिंजा कहता है, क्योंकि मैं जल्दी मैरिज करने वाला हूँ। ये बात सुन के क्यूमो शॉक होती है। लिंजा उसे एक कार्ड दिखाने लगता है और 5 लाख रुपए कहकर उसे वो कार्ड थमाता है, बट क्यूमो उसे नहीं लेती है। वो यहाँ पे काफ़ी सैड सी हो जाती है, अपनी पर्स की तरफ जाती है, उसमें से कुछ पैसे निकालती है और अपने आंसुओं को बाहर आने से रोकती है और उसके बाद मिस्टर लिंजा को लाकर वो पैसे देती है और कहती है, मैं आपको ये पैसे देती हूँ कंपनसेशन के तौर पर, और हाँ मुझे कोई डम नहीं कर सकता है। ऐसा कहकर वो रूम से बाहर आ जाती है। मिस्टर लिंजा भी यहाँ पे काफ़ी सैड नज़र आते हैं। क्यूमो वहाँ से जाने से पहले एक रिंग के बॉक्स और एक लेटर को कॉरिडोर में ही फेंक जाती है। उसके बाद क्यूमो को अपने घर के बाहर खड़े हुए दिखाया जाता है। वो कहती है, मैं अब वापस आ गई हूँ। जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री लेती है, तो यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसे देखकर चिल्लाने लगती है, भूत भूत। क्यूमो उन्हें देखकर कहती है, आपको अभी भी मेरी मॉम के बारे में सब कुछ याद है? यहाँ पे उसके डैड कहते हैं, तुम यहाँ पे वापस क्यों आई हो? उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, लारा, कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा कोई वेलकम नहीं कर रहा है। क्यूमो कहती है कि मैं भी इस बेकार से घर में नहीं आना चाहती हूँ, बट मैं यहाँ पे अपनी मॉम की चीज़ें लेने के लिए आई हूँ। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारी मॉम की कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है, उन सभी को हमने जला दिया था, तुम यहाँ से चली जाओ। तो क्यूमो कहने लगती है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मेरे घर से निकलने के लिए कहो, क्योंकि तुम एक मिस्ट्रेस हो। ये बात सुन के उसकी स्टेप मॉम उसके पास आ जाती है और कहने लगती है, क्या तुम भूल गई हो कि बचपन में मैंने किस तरीके से तुम्हें पानी में डाला था? यहाँ पे वो उसे डराने की कोशिश करती है, बट क्यूमो अब उन्हें एक जोरदार चाटा मारती है, ये कहकर कि अब मैं कोई बच्ची नहीं रही हूँ। यहाँ पे लारा ये देखकर गुस्सा करने लगती है उसके ऊपर, तो क्यूमो उसे भी एक चाटा मार देती है। लेकिन तभी पीछे से एक पर्सन आकर क्यूमो के फादर को आवाज़ देता है। लारा तुरंत ही उस पर्सन के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, अब वापस आ गई, मैं आपको कब से मिस कर रही थी। यहाँ पर क्यूमो पीछे टर्न करके देखती है, तो वो और कोई नहीं बल्कि लिंजा होता है। यहाँ पे वो लिंजा को देखती है तो देखती ही रह जाती है। क्यूमो यहाँ पे एकदम से उनका नाम लेती है, तो लारा पूछने लगती है मिस्टर लिंजा से कि आप इसे जानते हैं, बट लिंजा मना कर देता है। क्यूमो यहाँ पे काफ़ी सैड होती है कि मिस्टर लिंजा ने उसे पहचानने से ही मना कर दिया। तभी क्यूमो से उसके फादर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और सर्वेंट को कहते हैं कि इसे घर से बाहर निकाल दो। सर्वेंट क्यूमो को यहाँ पे बाहर निकालने लगती है। क्यूमो सर्वेंट से अच्छे से बात करती है, तो वो यहाँ पे उसकी परवाह करते हुए कहती है कि आपको यहाँ पे वापस नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आपके लिए खतरा है। मैं आपको बता दूं कि आपकी मॉम की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी। इतना कहकर सर्वेंट घर के अंदर चली जाती है। क्यूमो तो यहाँ पे काफ़ी शॉक हो जाती है। वो उस पूरी फैमिली को पीछे मुड़ देखती है, वो लोग यहाँ पे काफ़ी हैप्पी होते हैं। तभी मिस्टर लिंजा क्यूमो की तरफ देखते हैं, लेकिन क्यूमो को अपनी मॉम की मौत के बारे में याद आता है कि बचपन में वो कैसे यहाँ पे मरी हुई पड़ी थी और उस समय वो उनके सामने रो रही थी और लारा और उसकी मॉम ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया था। ये सब कुछ याद करते हुए क्यूमो अपने घर आकर अपने आप को फ्रेश करती है, लेकिन उसके आँखों में आंसू और दिल में गुस्सा होता है अपनी फैमिली के लिए। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे कॉल करती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? क्यूमो कह देती है, मैं ठीक हूँ, अभी मुझे यहाँ पे कुछ काम है, इसलिए मैं अभी वापस नहीं आने वाली हूँ। उसके बाद देखते हैं क्यूमो को, जो कि मिस्टर लिंजा के सामने बैठी रहती है। लिंजा उसे इस बार 5 मिलियन ऑफर करता है। क्यूमो कहती है, क्या आपको इतना डर लगता है मुझसे, इसलिए आप मुझे इतने पैसे ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये पैसे काफ़ी नहीं हैं। लिंजा कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। क्यूमो यहाँ पर उनसे 10 मिलियन मांगती है, तो लिंजा ये पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, बट उससे कहते हैं कि तुम्हें इस कंट्री को छोड़ के जाना होगा। क्यूमो पूछती है, क्यों? लिंजा कहता है, क्योंकि मैं मैरिज करने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरी फिर लाइफ को डिस्टर्ब करे। क्यूमो यहाँ पे सोचने लगती है कि मैंने इस पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने का सोचा था। वो याद करती है पास्ट के बारे में,
कि वो मिस्टर लिंजा के साथ कितनी खुश थे, अरुण दोनों ने कितना अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया था और वो उस समय उसकी परवाह भी करते थे। इसलिए क्यूमो उनसे सवाल करती है कि आप मुझसे अब प्यार नहीं करते हैं, कि आपको लारा से प्यार हो गया है या फिर मुझे भुलाने के लिए आप लारा से मैरिज कर रहे हैं। मिस्टर लिंजा यहाँ पे चुपचाप बैठे रहते हैं, क्यूमो के किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। क्यूमो वहाँ से उठती है और उस कार्ड को उठा लेती है और फिर उनके पास जाकर कहती है, मेरा कुछ सामान आपके पास रह गया है, मैं उसे लेना चाहती हूँ। तो मिस्टर लिंजा उसे हाँ कह देते हैं। उसके बाद क्यूमो को मिस्टर लिंजा के घर से सामान लेकर बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे क्यूमो देखती है कि उस तरफ लारा आ रही है, इसलिए वो मिस्टर लिंजा को किस करने लगती है। ये देखकर लारा गुस्सा करती है और आकर उसे एक चाटा मारती है और कहती है, क्या तुम मुझसे मेरा मैन छीनने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम इनकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? ये मेरे फियांसे है, इनसे तुम दूर रहो। क्यूमो यहाँ पे उससे कहती है कि मिस्ट्रेस बनने का काम तुम्हारी मॉम करती है, तो शायद तुम ही अच्छा कर पाओगी। ऐसा कहकर वो जाने लगती है तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है लारा कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम पर गई हो। जैसे ही यहाँ पे लारा उसकी मॉम का नाम लेती है तो क्यूमो रुक जाती है और वापस आकर उसे कई चाटे मारती है और कहती है, अपने मुँह से मेरी मॉम का नाम मत निकालना वरना तुम्हारी जीभ को मैं काट लूंगी। ये देखकर यहाँ पे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है लारा। तभी वहाँ पे मिस्टर लिंजा का ब्रदर आ जाता है सैंग और कहने लगता है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे लारा उसे मारने के लिए भागने लगती है तो सैंग उसे पकड़ लेता है। क्यूमो वहाँ से चली जाती है। लारा फिर भी चिल्लाती रहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे मिस्टर लिंजा उसे ऐसा करने से रोकते हैं और फिर सैंग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या काम है। सैंग कहता है कि फादर ने आपको कंपनी में बुलाया है किसी काम की वजह से, इसलिए वहाँ से जाने लग जाता है लिंजा। यहाँ पे जो होता है सैंग वो भी क्यूमो के पीछे आ जाता है। सभी लोग लारा को वहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं और लारा गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी क्यूमो, तुम मेरे फियांसे को मुझसे नहीं छीन सकती हो। आगे दिखाया जाता है क्यूमो को जो कि अपने वर्क प्लेस पर होती है। यहाँ पे उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हमें मिस्टर लिंजा की वाइफ के लिए एक अच्छी सी ड्रेस तैयार करनी है। क्यूमो यहाँ पे याद करने लगती है बचपन के बारे में कि उसकी स्टेप मॉम खुद सीढ़ियों से गिरती है और नाम उसका लगा देती है, जिसके बाद उसके फादर उसे उस समय काफ़ी मारते हैं। यहाँ पे उसका बॉस उसे काम करने के लिए कहता है तो क्यूमो फिर वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी देखते हैं मिस्टर लिंजा को जो कि वहाँ पे एंट्री लेते हैं। क्यूमो उन्हें देखती है तो उनके हाथ को टच करके वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर लिंजा का ध्यान उसके ऊपर जाता है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में ले आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्यूमो उनसे कहती है कि मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। उसके बाद देखते हैं क्यूमो को जो कि उनका मेजरमेंट लेने लगती है। मिस्टर लिंजा कहते हैं कि हमारी बात हुई थी ना कि तुम यहाँ से चली जाओगी, तो तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं और ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकता हूँ। क्यूमो यहाँ पे उनका मेजरमेंट लेती रहती है और उनसे कहती है, आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए आपके पास बहुत पेशेंस होता है। उनसे प्लट करते हुए वो उनकी नेक पे किस कर देती है और कहती है, मैं भी देखती हूँ कि आप मुझ पर कितना गुस्सा कर सकते हैं। वो दोनों जब करीब होते हैं तो वहाँ पे आ जाती है लारा और चिल्लाने लगती है कि ये क्या हो रहा है। क्यूमो कहती है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लारा आकर मिस्टर लिंजा को देखती है और उनकी नेक के उस किसिंग वाले निशान को भी देख लेती है। वो उनसे कुछ कहने की कोशिश करती है बट वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद लारा गुस्से में आती है क्यूमो के पास उस पे हाथ उठाने के लिए, बट क्यूमो ही उसे एक चाटा मार देती है। यहाँ पे लारा जब फिर से उस पे हाथ उठाने की कोशिश करती है तो उससे पहले ही क्यूमो खुद फ्लोर पे गिर जाती है और चिल्लाने लगती है कि देखो ये मुझे मार रही है। यहाँ पे वो अपने कुछ फ्रेंड्स को इशारा कर देती है, जिसके बाद कुछ लोग कैमरा लेकर वहाँ पे उनके फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते हैं और कहते हैं, देखो तो सही ये लड़की किस तरीके से अपनी ही सिस्टर को तंग कर रही है। सभी लोग यहाँ पे इस छोटी सी चीज़ को बड़ा बना देते हैं। वहाँ पे आ जाते हैं लारा के पेरेंट्स भी और मीडिया के लोगों को ऐसा करने से रोकने लगते हैं। यहाँ पे लारा के डैड जाकर क्यूमो से बात करते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रही हो? चुपचाप खड़ी हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अपने डैड की ये बात सुनकर क्यूमो को याद आता है कि 10 साल पहले उन्होंने अपनी इस मिस्ट्रेस और अपनी इस बेटी के चक्कर में उसे कैसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसलिए क्यूमो यहाँ पे फिर से रोने का ड्रामा करती है और कहने लगती है, डैड प्लीज़ आप मुझे मत मारिए। तो सभी लोग और ज़्यादा बातें बनाने लगते हैं। फिर उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें कहाँ मार रहा हूँ, तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, जैसे मैं लारा को प्यार करता हूँ वैसे ही तुम्हें भी प्यार करता हूँ। तो क्यूमो तुरंत कह देती है, फिर तो आप
ऐसा ही घर मुझे भी देंगे ना जैसा आप लारा को गिफ्ट करे हैं। उसके फादर सभी के सामने हाँ कह देते हैं। क्यूमो तुरंत खड़ी हो जाती है और पेपर्स निकाल के उन्हें देने लगती है और कहती है आप इन पेपर्स पे साइन कर दे। यहाँ पे उसके फादर साइन करने लगते हैं। लारा रोकने की कोशिश करती है लेकिन मीडिया के लोग वहाँ पे होते हैं इसलिए उसके फादर को चुपचाप उन पेपर्स पे साइन करना पड़ता है। क्यूमो कहती है कि आप लोगों से मैं वो सब कुछ वापस ले लूँगी जो जो चीज़ें आप लोगों ने मुझसे ली है। उसके बाद क्यूमो को रात के समय में दिखाया जाता है। वो यहाँ पे उन्हें मीडिया के लोगों को कुछ पैसे दे रही होती है मदद करने के लिए। तभी वहाँ पे गुस्से में फ़ोन पे किसी से बात करते हुए मिस्टर लिंजा आ जाते हैं। वो यहाँ पे लारा से कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और क्यूमो के सामने बैठ जाते हैं और फोन को वहीं पे रख देते हैं। मिस्टर लिंजा यहाँ पे क्यूमो से कहते हैं कि तुम ये सब कुछ बंद करने के कितने पैसे लोगी मुझे बता दो क्यूमो। क्यूमो कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और वो मुस्कुराने लगती है और कहते हैं मैं तो आपका दिल चाहती हूँ। उनके पास आकर उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है बट मिस्टर लिंजा उसे दूर कर देते हैं और कहते हैं ये सब कुछ मत करो। क्यूमो यहाँ पे उनके पास बैठ जाती है और कहने लगती है पहले तो आप इतना गुस्सा नहीं करते थे। यहाँ पे जो टेबल पे फोन रखा होता है क्यूमो पीछे से उसे भी उठा लेती है और कहती है कि अब आप इतना गुस्सा क्यों करने लगे हैं कि आप मुझे चाहने लगे हैं। लिंजा कहता है कि ये तुम्हारा सपना है ऐसा कभी नहीं होने वाला है। क्यूमो यहाँ पे कहने लगती है कि आप कब तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं। दूर हमें दिखाया जाता है मिस्टर लिंजा के ब्रदर को जो कि उनके ये फोटोज वगैरह क्लिक करता है और कहता है इन दोनों का मामला तो काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। यहाँ पे मिस्टर लिंजा जाने लगते हैं तो क्यूमो कहती है आप शायद मेरी सिस्टर के घर ही जाने वाले होंगे क्यों ना मुझे भी वहाँ पे छोड़ दे। बट मिस्टर लिंजा उसकी बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। क्यूमो यहाँ पे उनके फोन को देखती है और कहती है आप फिर से मेरे पास वापस आएंगे मिस्टर लिंजा। उसके बाद नेक्स्ट दिखाया जाता है क्यूमो को जो कि अपने घर के उस सर्वेंट से मिलने जाती है और पूछती है कि मेरी मम के साथ क्या हुआ था प्लीज़ आप मुझे सब कुछ डिटेल में बताएं। सर्वेंट यहाँ पे उसे कुछ कहने से मना करने लगती है। पीछे से यहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है कुछ कार्ड्स को लेकर और कहती है क्यूमो तुम ऐसे बाश नहीं आओगी फिर से तुम मेरे घर पे आके क्या कर रही हो। वो कार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए कहती है और उस पे हाथ उठाने की कोशिश करती है लेकिन तभी मिस्टर लिंजा आकर उसके हाथ को रोक देते हैं और कहते हैं अगर आप चाहती है कि मेरी और लारा की मैरिज हो जाए तो ज़्यादा ड्रामा क्रिएट ना करे। और वो गार्ड से क्यूमो को छुड़ा लेते हैं और अपने साथ ले आते हैं। क्यूमो यहाँ पे घर पे एक फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर बैठ जाती है। मिस्टर लिंजा कहते हैं तुम मेरा फोन मुझे रिटर्न कर दो। क्यूमो यहाँ पे उनके हाथ में दवाई थमा देती है और कहती है मुझे चोट लगी है प्लीज दवाई लगा दे। मिस्टर लिंजा कहते हैं कि मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला हूं। मैं जानता हूं कि जानबूझ के तुमने उस दिन मेरे फोन को लिया था ताकि मैं तुम्हारे पास यहाँ पे आऊं ये सब कुछ देखने के लिए कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें कैसे ट्रीट करती है। क्यूमो कहती है कि आपको क्या मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है पहले तो अगर मुझे छोटी सी भी चोट लगती थी तो तुम मेरे लिए कितना परेशान हो जाते थे लिंजा। यहाँ पे एकदम से मिस्टर लिंजा उसे अपने से दूर कर देते हैं और पास्ट के बारे में याद करते हैं जहाँ पे उसके फादर ने उससे कहा था कि जिस भी लड़की के साथ तुम रिलेशन में हो उस रिलेशन को तोड़ दो क्योंकि तुम्हें लारा से मैरिज करनी होगी। उसके फादर की कंपनी कुछ ही समय में अपने एक नए ऑटोमोबाइल को लॉन्च करने वाली है जिसके कारण हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। वो यहाँ पे उसे ब्लैकमेल करते हैं ये कहकर कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर उस लड़की के लिए खतरा बन सकता हूँ मैं जिससे आजकल तुम रिश्ते में चल रहे हो। इसलिए मिस्टर लिंजा फिलहाल क्यूमो से अपनी दूरियाँ बना रहे होते हैं लेकिन जब वो क्यूमो को पेन में देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है इसलिए वो उसके पास बैठ के उसकी चोट पे दवाई लगाने लगते हैं। क्यूमो यहाँ पे उन्हें हक करने लगती है और कहते हैं कि अभी भी तुम्हें मेरी परवाह है इसलिए तुम बार बार मेरे पास आ जाते हो और देखना लास्ट टाइम भी तुम मेरे पास वापस आओगे। बट मिस्टर लिंजा उसे कोई जवाब नहीं देते हैं और उसके पैर में दवाई लगाने लगते हैं। यहाँ पे क्यूमो उनके एक फोटो को क्लिक कर लेती है और अपनी सिस्टर के पास सेंड कर देती है। उसकी सिस्टर किसी और के साथ बेड पे होती है लेकिन फिर भी वो इस फोटो को देखती है तो गुस्सा होने लगती है। यहाँ पे उसके साथ और कोई पर्सन नहीं बल्कि मिस्टर लिंजा का ब्रदर होता है जो उसे कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मैं तुम्हें एक अच्छा आइडिया देता हूँ इस लड़की से निपटने का। उसके बाद देखते हैं क्यूमो को उसके पास कॉल आता है कि उसकी एक ड्रेस को उसके गेस्ट ने पसंद नहीं किया है इसलिए वो उससे पर्सनली मिलना चाहता है। उसे एक होटल में कल बुलाया जाता है। यहाँ पे मिस्टर लिंजा जब उसके पैर में दवाई लगाना बंद कर देते हैं और वहाँ से उठ के जाने लगते हैं तो क्यूमो उन्हें रोकती है और कहती है आप कब लारा से अपनी इंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। लिंजा उसे कोई जवाब नहीं देता है तो क्यूमो कहती है कल मैं आपका होटल में वेट करूंगी। लिंजा कहता है कि मैं नहीं आने वाला हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। क्यूमो कहती है ठीक है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो और बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत फ्री टाइम है। ये बात सुन के यहाँ पे मिस्टर लिंजा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे दिखाया जाता है लारा को जो कि एक रूम में होती है। वहाँ पे वो दो लोगों को
पैसे देती है और कहती है कि आज जो लड़की इस रूम में आने वाली है तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, उसके काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं। लेकिन तभी रूम पर कोई आ जाता है। जाके लारा दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे उसकी ड्रेस को लेकर कोई और लेडी आती है, ना कि क्यूमो। यहाँ पे वो गुस्से में क्यूमो के बारे में पूछती है तो वो लेडी बताती है क्यूमो तो मिस्टर लिंजा की ड्रेस को दिखा रही है, वो भी दूसरे रूम में। वो यहाँ पे उनका रूम नंबर उसे बता देती है। लारा को गुस्सा आता है, अब वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है उस रूम की तरफ, ये कहते हुए कि तुम मेरे फियांसे को मुझसे छीनना चाहती हो। वहाँ पे दिखाया जाता है लिंजा के ब्रदर को भी। वो एक पर्सन को फॉलो करने के लिए कहता है लारा को। लारा जब उस रूम में पहुँचती है तो उस रूम में उसे वहाँ पे मिस्टर लिंजा और क्यूमो नहीं बल्कि एक अननोन पर्सन नज़र आता है जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो यहाँ पे उसे पकड़ लेता है ये कहकर कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, किसी और से मैरिज करने के लिए तुमने मुझे छोड़ा है। यहाँ पे वो पर्सन जो लारा का पीछा कर रहा होता है वो इस बारे में जाकर बता देता है सैंग को कि वो तो किसी और ही रूम में पहुँच गई है जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पकड़ लिया है। ये बात सुन के सैंग को गुस्सा आता है कि ये लड़की किसी काम की नहीं है। इधर हमें दिखाया जाता है मिस्टर लिंजा को, उस रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे क्यूमो होती है। वो क्यूमो से कहते हैं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, बताओ मुझे। तो क्यूमो तुरंत उन्हें पकड़ लेती है, उन्हें तंग करने लगती है और उसके बाद अपने फ़ोन में उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। यहाँ पे वो उसे बताती है कि वो तो तुम्हें चीट कर रही है, तो फिर तुम उस जैसी लड़की से मैरिज क्यों कर रहे हो। मिस्टर लिंजा यहाँ पे उससे फ़ोन छीन लेते हैं और एकदम से उसके ऊपर आ जाते हैं, उसके हाथों को पकड़ के उससे कहने लगते हैं मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो मेरी सिचुएशन का एडवांटेज उठाते हैं। यहाँ पे वो उसके फ़ोन से उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं और कहते हैं कि आगे से ऐसा कुछ मत करना। उसके बाद वो रूम से बाहर आ जाते हैं। अपने फ़ोन में उन्होंने क्यूमो के फ़ोन से उस वीडियो को ले लिया होता है, इसलिए वो उस वीडियो को सेंड कर देते हैं लारा के फादर के पास, जिसके बाद लारा के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे लारा कह रही होती है ये सब कुछ क्यूमो ने किया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। लिंजा यहाँ पे कहने लगता है लारा से कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे उस मैरिज को तोड़ने की बात करने लगता है, लेकिन तुरंत ही लारा के फादर कहते हैं आपको ये मैरिज तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो मिस्टर लिंजा उसके सामने शर्त रख देते हैं कि जो आपका नया प्रोजेक्ट 2 महीने बाद लॉन्च होने वाला है उसमें मैं 25% शेयर चाहता हूँ। तुरंत ही यहाँ पे मान जाते हैं लारा के फादर इस चीज़ के लिए। उसके बाद लिंजा वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे लारा के फादर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, उसे कई चाटे मारते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरी कंपनी को बंद करवाना चाहती हो, बहुत ज़रूरी है तुम्हारी मैरिज मिस्टर लिंजा से होना, उसके बाद ही हमारी कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, किसी को नहीं पता है कि हमारे पास ज़्यादा फंड नहीं बचा है। उसके बाद दिखाया जाता है क्यूमो को जो कि अपने ऑफिस पहुंचती है अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर। तभी वहाँ पे उसका बॉस आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। यहाँ पे कहती है क्यूमो मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं। उसका बॉस कहता है तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है और मैं उन अमीर लोगों से टक्कर नहीं ले सकता हूँ, मेरी जॉब चली जाएगी, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। इसलिए यहाँ पे क्यूमो अपना सामान लेकर जाने लगती है। तभी लारा आ जाती है और कहती है फाइनली तुम्हारी जॉब चली गई है और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो कल प्लानिंग की थी उसके बाद मिस्टर लिंजा मुझसे मैरिज तोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, हमारी मैरिज फिक्स है और उसी दिन हमारी मैरिज होगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। क्यूमो कह देती है कि अभी समय बाकी है इसलिए तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से आ जाती है लेकिन उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है जो लारा ने उससे कही होती है कि मिस्टर लिंजा ने उससे अभी भी मैरिज नहीं तोड़ी है। तभी वहाँ पे उसका कज़न उसे लेने के लिए आ जाता है। वो यहाँ पे उससे बैठ के बात करता है और कहता है क्यूमो का कज़न उससे कहता है कि तुम अपनी मॉम की मौत का बदला लेना चाहती हो पर तुम अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाओगी, 2 महीने रुक जाओ उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। बट वो कहती है कि मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ। वो यहाँ पे याद करने लगती है पास्ट के बारे में, जब उसकी मॉम की जान चली गई थी तो उसने सबसे पूछा था कि मेरी मॉम को ये सब कुछ कैसे हुआ है, बट किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था और उसकी स्टेप मॉम ने उसे बुरी तरीके से ट्रीट किया था। ये सब कुछ याद करते हुए यहाँ पे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने कज़न से कहती है कि अब बहुत हो गया है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं उन सभी को नहीं छोड़ूंगी। उसका कज़न कहता है फिर आगे अब तुम क्या करने वाली हो। उसके बाद रात के समय में दिखाया जाता है क्यूमो को जो कि मिस्टर लिंजा के घर के बाहर पहुंचाती है और उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। जब मिस्टर लिंजा आकर दरवाज़ा खोलते हैं तो क्यूमो पीछे की तरफ गिरने लगती है, तो वो उसे संभाल लेते हैं और अपने रूम में ले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा पीने के कारण वो यहाँ पे नशे में होती है।
यहाँ पे वो मिस्टर लिंजा का हाथ पकड़ लेती है और अपनी मॉम को याद करने लगती है और काफ़ी रोती है। तो मिस्टर लिंजा पूरी रात उसके पास रहते हैं। मॉर्निंग में जब वो रूम से बाहर आती है तो उन्हें ब्रेकफास्ट करते हुए देखती है। मिस्टर लिंजा उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक नई कंपनी में जॉब ढूंढ ली है, तुम इस सिटी से दूसरी सिटी जाकर जॉब कर सकती हो, वहाँ पर तुम्हें सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन क्यूमो कह देती है कि आपको लारा से मैरिज करनी है, इसीलिए आप मुझे दूर भेज रहे हैं ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप कभी भी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते हैं कि आपके इस बिहेव के कारण मुझे कितना बुरा लगता है? रिंजा उससे कह देता है, फीलिंग्स, इमोशनल और ये मैरिज वगैरह मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ प्रॉफिट की बातें समझता हूँ। ये बात सुन के यहाँ पे क्यूमो कहती है, ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी आपकी मैरिज के लिए। अब वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर सोचती है कि मैं ऐसे इन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मुझे अपना दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। वो उनके घर में कैमरा फिट करके चली जाती है। उसके बाद क्यूमो को दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब की इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वो मिस्टर लिंजा की कंपनी में ही जॉब के लिए अप्लाई करती है और उसे जॉब मिल भी जाती है। वहाँ पर मिस्टर लिंजा एक क्लाइंट को लेकर आते हैं और उससे मीटिंग को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। वहाँ पर कॉफ़ी सर्व करने के लिए क्यूमो आती है तो मिस्टर लिंजा तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो जो क्लाइंट होता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आता है क्यूमो में, इसलिए वो सैंग से उसके बारे में पूछने लगता है। यहाँ पे मिस्टर लिंजा तो क्यूमो के पीछे आ जाते हैं और उसे साइड में लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। क्यूमो कहती है कि मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, अब मुझे अपने खर्चे चलाने के लिए जॉब तो करनी ही पड़ेगी, अगर आप मेरे खर्चे उठाना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिस्टर लिंजा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जॉब दूसरी सिटी में लगवाई तो है ना, तुम वहाँ पे चली जाओ। बट क्यूमो जाने से मना करती है और उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी वहाँ पे आ जाती है लारा और उन्हें देखकर चिल्लाती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। क्यूमो यहाँ पे उसके सामने ही मिस्टर लिंजा को किस कर देती है और बाद में मिलने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर लारा और चिल्लाने लगती है मिस्टर लिंजा पे, बट वो उसकी नहीं सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे सैंग आ जाता है जो कि कहने लगता है लारा से कि तुम शायद कुछ नहीं कर पाओगी, तो लारा उस पर भी गुस्सा करती है। आगे देखते हैं लारा को, वो उसी ऑफिस में जाती है और उस पर्सन से मिलती है जो कि इंटरेस्टेड होता है क्यूमो में। तो यहाँ पर वो क्यूमो के साथ उसकी नाइट फिक्स करने की बात करती है, तो वो पर्सन भी तुरंत ही लारा की बात पे हाँ कर देता है क्यूमो के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। उसके बाद क्यूमो के पास उसके फादर कॉल करते हैं और उसे बार में मिलने के लिए बुलाते हैं। क्यूमो जब अपने डैड से मिलने के लिए बार में पहुंचती है तो वहाँ पे उसे अपने डैड नहीं बल्कि लारा मिलती है। वो वापस आने लगती है तो लारा उसे रोक लेती है ये कहकर कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, प्लीज़ मुझसे 5 मिनट बात कर ले। वो उसे बिठा लेती है। क्यूमो कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या कहना है। लारा यहाँ पे अच्छे बनने का दिखावा करती है और कहती है मेरे साथ ड्रिंक कीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो भी मैंने लास्ट टाइम किया था। यहाँ पे उसके साथ ड्रिंक करने से मना कर देती है क्यूमो। तो लारा कहती है मेरे पास कुछ है जो मैं आपके लिए लाई हूँ, आपकी मॉम की ज्वेलरी। वो अपने बैग से निकालने लगती है। यहाँ पे जो क्यूमो होती है ड्रिंक्स को आपस में एक्सचेंज कर देती है और लारा ने भी ये देख लिया होता है। वो यहाँ पे उसे एक ज्वेलरी बॉक्स दे देती है और कहती है मॉम ने ये खुद रिटर्न किया है और वो भी आपसे माफ़ी मांग रही है, प्लीज़ आप सब कुछ भूल जाए, अब हमें अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहने लगती है। उसकी बात मानकर क्यूमो एक सिप पी लेती है और उसके बाद वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। तो यहाँ पे लारा उसे पकड़ लेती है और एकदम से बिठा देती है ये कहकर कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं पाओगी। उसके बाद वो उसी पर्सन को कॉल करके वहाँ पे बुला लेती है, लेकिन यहाँ पे जब वो देखने लगती है क्यूमो को और कहती है कि आज की रात तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो तभी अपनी आंखें खोल देती है क्यूमो और कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, और एक ड्रिंक के ग्लास को उठाकर उसे ही पिला देती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मुझे नहीं पता है कि तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया है, इतना सब पीने से मुझे कुछ नहीं होगा। वो यहाँ पर उसे ही पूरा ड्रिंक पिला देती है और उसके बाद उसे रूम में लॉक कर देती है। कुछ देर बाद वो पर्सन उस रूम में आ जाता है। तो यहाँ पे क्यूमो उससे अच्छे से बिहेव करती है और उसे अपने हाथों से ड्रिंक पिला देती है, जिसके बाद वो उस पर्सन को भी उसी रूम में लॉक कर देती है जिसमें उसने लॉक किया होता है लारा को। वो उस रूम से बाहर आ जाती है और बाहर खड़े हुए गार्ड से कहती है कि किसी को अंदर मत जाने देना, ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है। वो जब बाहर से बाहर निकलने लगती है तो उसकी भी तबीयत खराब होती है क्योंकि वो ड्रिंक काफ़ी स्ट्रांग था। वहाँ पर एक और ड्रंक पर्सन आ जाता है जो कि उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, उसे जबरदस्ती अपने साथ वहां से ले जाने लगता है, बट पीछे से मिस्टर लिंजा आ जाते हैं जो कि क्यूमो को बचा लेते हैं। उसके बाद क्यूमो की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, उसी के साइड वाले बेड पे मिस्टर लिंजा होते हैं जो उससे कहते हैं कि आप तुम ठीक हो।
क्यूमो यहाँ पे कर्टन को हटाकर उन्हें देखती है और कल रात मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। यहाँ पे वो उनसे पूछती है कि वैसे आप वहाँ पे कैसे पहुँचे थे। दिखाया जाता है फ्लैशबैक, असिस्टेंट ने मिस्टर लिंजा को इस बारे में बताया था, इसलिए वो समय से वहाँ पर पहुँच गए थे। यहाँ पे कहता है उससे लिंजा, क्या तुम्हारे थैंक्स कहने का ये तरीका होता है कि तुम मेरे घर में चोरी छुपे कैमराज फिट कर दो। यहाँ पे क्यूमो कहती है, असल में मैं आपको देखना चाह रही थी क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए बस मैंने कैमरा फिट किया था, इसमें क्या गलत है। लिंजा कहता है, अगर कैमरा फिट करना था तो बेडरूम में करती ना, ताकि अच्छे से तुम मेरी बॉडी को देख पाती। तुमने इसे गेस्ट रूम में क्यों फिट किया था? क्यूमो उनसे कहते हैं कि मेरा प्यार बहुत प्योर है, इसलिए मैंने कैमरा बेडरूम में फिट नहीं किया था। मिस्टर लिंजा उसे कहते हैं कि आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना। वो वहां से जाने लगते हैं तो क्यूमो उन्हें रोकती है और कहती है, लारा और आपका ब्रदर आपको मिलके हर्ट करना चाहता है। यहाँ पे मिस्टर लिंजा कहते हैं, क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता है? तुम मेरे मैटर्स से दूर रहो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर उनकी ये बात सुनके क्यूमो काफ़ी सैड होती है। उसके बाद क्यूमो जब अपने घर जा रही होती है तो वहाँ पे लारा आकर गुस्से में उसके ऊपर पानी डाल देती है और कहती है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मिस्टर लिंजा मुझसे कभी मैरिज नहीं तोड़ेंगे। तुम्हें नहीं पता है क्या कि वो अपने बिजनेस और अपने डैड के कारण मुझसे मैरिज करने वाले हैं। यहाँ पर क्यूमो और उसके बीच में झगड़ा होने लगता है। क्यूमो उसे धक्का दे देती है तो वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। क्यूमो उसे कहते हैं कि ये तुम डिजर्व करती हो। ऑफिस में दिखाया जाता है मिस्टर लिंजा को, जो कि लारा के फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लारा के फादर का एक गार्ड आ जाता है और उन्हें बताता है कि आपकी डॉटर मिसिंग है। ये बात सुनके सभी लोग परेशान हो जाते हैं। क्यूमो को देखते हैं जो कि लारा को एक वीरान सी जगह पे अकेला छोड़ के चली आती है। उसके बाद दिखाया जाता है क्यूमो को घर पे, जहाँ पे मिस्टर लिंजा आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या किया है तुमने लारा के साथ? मुझे बताओ, वो मिल नहीं रही है। क्यूमो कहते कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है और आपको बस उसी की चिंता पड़ी रहती है। आपको नहीं पता है क्या फिलहाल मुझे कितनी भूख लगी है? आप मेरे लिए कुकिंग कर देना, मैं आपके हाथों के खानों को बहुत मिस करती हूँ। बट मिस्टर लिंजा उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते कि तुम मेरा काम क्यों बिगाड़ रही हो? जैसे तैसे करके मैंने उनके हाथ से 25% शेयर्स लिए हैं। यहाँ पे क्यूमो कहने लगती है, इसका मतलब यह है कि आपको लारा की चिंता नहीं है, बस अपने प्रॉफिट की चिंता है। आप भी ना कैसे कैसे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। लिंजा यहाँ पे उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी लिंजा के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि लारा मिल गई है। मिस्टर लिंजा को जब ये पता चल जाता है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। क्यूमो सोचती है कि शायद इनके दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और यहाँ पे मिस्टर लिंजा सोचते हैं कि मैं तुम्हें इसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अपने से दूर रखकर। उसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाया जाता है, यहाँ पे क्यूमो को जॉब से निकाल दिया जाता है मिस्टर लिंजा के कहने पे। तो वो गुस्से में उनके पास कॉल करती है और कहती कि ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। लिंजा उससे कहता है, जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो और मैं क्या करूँ? ऐसे ही तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा मुझे। क्यूमो पे उस मैनेजर की बात सुन लेती है। वो किसी से कह रही होती है कि हमारी कंपनी का एक पर्सन अपने साथ कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट्स क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशंस को लेकर भाग गया है और इस बारे में अभी हमारे बॉस को नहीं पता है। ना जाने जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा। यहाँ पे क्यूमो समझ जाती है कि अब उसे इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाना है। उसके बाद क्यूमो को देखते हैं जो कि मिस्टर लिंजा को कॉल करके कहती है कि आप जल्दी लारा से मैरिज करने वाले हैं और मैं आपको आपका वेडिंग गिफ्ट देने वाली हूँ। मिस्टर लिंजा कहते हैं कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। क्यूमो कहती है, इतनी जल्दी फ़ोन मत काटिए, पहले बात तो सुन ले। वो यहाँ पे उस इंपॉर्टेंट फाइल और कुछ सीक्रेट्स के बारे में उन्हें बता देती है और उसके बाद कहती है, जल्दी मेरे पास आ जाए घर, वो भी मेरे लिए फूड लेकर, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगी है। मिस्टर लिंजा काफ़ी सारा खाना लेकर पहुँच जाते हैं क्यूमो से मिलने के लिए। बट क्यूमो कहती है, क्या बस यही लाए हैं और कुछ नहीं लाए? मिस्टर लिंजा उसे लेकर जाने लगते हैं तो क्यूमो उन्हें रोक देती है और कहती है, जब से आप लारा के साथ रहने लगे हैं ना, आपको काफ़ी गुस्सा आने लगा है, पहले तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मिस्टर लिंजा उसे कहते हैं, क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो फिर? क्यूमो कहती है, हाँ मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, बल्कि मैं तो आपको प्यार करती हूँ। वो उनके साथ यहाँ पे फ्लर्ट करने लगती है। लिंजा उससे पूछता है कि बात क्या है, पहले ये बताओ क्या चीज़ें मेरी ऑफिस से गायब हुई है। क्यूमो सही से उनके सवालों का जवाब नहीं देती है तो मिस्टर लिंजा फिर उसके हाथों को बांधने लगते हैं। यहाँ पे कहते हैं, क्यूमो अगर आपको ऐसा करना है तो ठीक है, पहले आपको अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, तभी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो मिस्टर लिंजा ऐसा भी करने लगते हैं तो क्यूमो बता देती है कि जिसे लारा के फादर ने आपके ऑफिस में काम करने के लिए कहा था, उसी पर्सन ने आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऑफिस से गायब किया है। वो यहाँ पे उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती है।
यहाँ पर मिस्टर लिंजा उसके हाथ को खोल देते हैं और तुरंत ही उस पर्सन के पास कॉल करने लगते हैं, लेकिन क्यूमो कहते हैं कि उसे कॉल करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब वो नोटबुक उसके पास नहीं है, मेरे पास है। अगर आपको वो नोटबुक चाहिए तो आपको कल वेडिंग में नहीं जाना होगा, मेरे साथ यहीं पर रहना होगा। यहाँ पर वो उन्हें ऐसे इस चीज़ के लिए ब्लैकमेल करने लगती है। मिस्टर लिंजा उसे हाँ कह देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है लारा को वेडिंग के लिए तैयार होते हुए। उससे वहाँ पे एक लेडी से पता चलता है कि मिस्टर लिंजा अभी तक वहाँ पे नहीं आए हैं। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लिंजा क्यूमो के घर पे ही रहते हैं। वो कहते हैं कि अब आफ्टरनून हो गया है, शायद मुझे जाना चाहिए। यहाँ पे तभी क्यूमो के पास लारा का कॉल आता है और वो उससे कहती है क्या लिंजा तुम्हारे पास है। क्यूमो उसे बता देती है हाँ वो मेरे पास है और मेरे लिए कॉफ़ी बना रहे हैं। वो यहाँ पे ऐसा करने के लिए मिस्टर लिंजा को कहती भी है। वो वहाँ से उठ के जाने लगते हैं लेकिन फिर वो उन्हें रोक लेती है और उन्हें हक करके कहती है आज आपने मेरी हर बात मानी इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लिंजा उससे कहता है कि अब तुम मुझे फाइल दे दो। उसके बाद मिस्टर लिंजा को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे लारा के फादर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कल वेडिंग में क्यों नहीं आए थे, आपके ना आने के कारण हमारी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई है। तो यहाँ पे मिस्टर लिंजा उसे वो फाइल दिखाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, आपने जिस पर्सन को मेरे यहाँ पे काम के लिए भेजा था उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इसीलिए मैं इस वेडिंग को तोड़ना चाहता हूँ। लेकिन फिर लारा के फादर कहते हैं प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ, मैंने उस पर्सन को ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा था। यहाँ पे लिंजा कुछ नहीं सुनता है और वेडिंग तोड़ने की बात कहता है। तो फिर से लारा के फादर उसे 5% शेयर्स बढ़ा के देने की बात कहने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे लिंजा पूरे 50% शेयर्स की मांग करता है और कहता है कि वेडिंग तभी होगी जब आप मुझे 50% शेयर्स दे देंगे इस नए प्रोजेक्ट के। तो यहाँ पे तुरंत लारा के फादर इस चीज़ के लिए भी हाँ कह देते हैं। क्यूमो को घर पे दिखाया जाता है, तभी उसके पास एक लॉयर आती है और कहती है कि आपके खिलाफ केस किया गया है, वो भी लारा की तरफ से, आपने मिस लारा के घर को उनसे धोखे से ले लिया है, अगर आपने इसका क्लेरिफिकेशन नहीं दिया तो आप पर 11 मिलियन का चार्ज लगाया जाएगा फाइन का। उसके बाद हम देखते हैं क्यूमो के पास लारा का वॉइस मैसेज आता है, वो उसे उसमें कह रही होती है कि मिस्टर लिंजा अभी भी मुझसे मैरिज करेंगे और देखो तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। ये बात सुन के क्यूमो को बुरा लगता है, वो फिर मिस्टर लिंजा के ऑफिस पहुंच जाती है और उनसे कहने लगती है आखिर आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप फिर भी लारा से मैरिज करना चाहते हैं, क्या आप बिल्कुल भी मेरी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। यहाँ पर उसके पास आ जाते हैं लिंजा और कहने लगते हैं तुम फीलिंग्स की बात कर रही हो। क्यूमो कहते हैं समझ गई आप मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते हैं, तो ठीक है आज के बाद मैं आपके पीछे नहीं आऊँगी। वो वहाँ से जाने लगती है ये कहकर कि अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। तो लिंजा उसे रोक लेता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। वो उसे यहाँ पे किस करने लगता है, क्यूमो एकदम से उन्हें अपने से दूर कर देती है। लिंजा कहता है कि तुम जब चाहो मेरे यहाँ आकर कुछ भी मैं सब कर दोगी और तुम मुझे ऐसे ही डम कर दोगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लिंजा कहती है कि अब मेरे और आपके बीच में कुछ नहीं रहा है, मुझसे दूर रहना। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है जिसके बाद लिंजा वहाँ से क्यूमो को भेज देता है गुस्से में। यहाँ पे असिस्टेंट कुछ फाइल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करता है मिस्टर लिंजा से। लिंजा का असिस्टेंट उसे क्यूमो पे होने वाले उस केस के बारे में भी बताने लगता है और कहता है क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए, बट लिंजा कह देता है नहीं फिलहाल उसे इस केस में बिजी रहने दो ताकि वो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। उसके बाद जब वो अपनी कार में बैठ के जाने लगता है तो टैक्सी में जाते हुए क्यूमो को देखता है, तो अपने ड्राइवर से उसके पीछे जाने के लिए कहता है। उसके बाद दिखाया जाता है क्यूमो को एक बार में ड्रिंक करते हुए। वहाँ पे लिंजा आ जाता है जो कि उस पर नज़र रख के रखता है। एक पर्सन उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। असल में वो क्यूमो का कज़न होता है जो उससे कहता है तुमने बहुत पी लिया है चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। क्यूमो को पता होता है कि मिस्टर लिंजा वहीं पे है इसलिए वो उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने लगती है ताकि मिस्टर लिंजा को जेलस फील करवा सके, और यहाँ पे वो जेलस भी फील करते हैं इसलिए वो उसके कज़न को बिना पहचाने ही उसे एक पंच मार देते हैं और अपने साथ घर ले आते हैं क्यूमो को। क्यूमो यहाँ पे उन्हें बेड पे अपने साथ आने के लिए कहने लगती है। मिस्टर लिंजा कहते हैं कि शायद तुमने अभी मुझे अच्छे से देखा नहीं है। क्यूमो कहती है कि क्या फ़ायदा देखकर, हर मैन एक जैसा ही तो होता है और उसका एक ही काम होता है बेड पे आने के बाद। तो मिस्टर लिंजा अपना मास्क हटा देते हैं। क्यूमो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम जाओ अपनी उस लारा के पास जिससे तुम मैरिज करना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए और अपने डैड के फोर्स करने के कारण। ये बात सुन के
क्यूमो से वो कहने लगते हैं, आई थिंक अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, इसलिए अब ऐसे भी अब मत करो। फिर भी क्यूमो उनसे नाराज रहती है और उन्हें जाने के लिए कहती है, कहती कि मुझे और कोई मिल जाएगा जो आपसे बेटर रहेगा, बेड पे तो कुछ ज़्यादा ही बेटर रहेगा क्योंकि आप ओल्ड फॉक्स की तरह दिखने लगे हैं। यहाँ पे वो उन्हें बुढ़ा कहने लगती है, तो मिस्टर लिंजा कहते हैं कि तुम किसी और के पास जाओगी, ऐसा नहीं हो सकता है। अब वो यहाँ पे उससे फिर थोड़ा तंग करने लगते हैं। क्यूमो उन्हें अपने से दूर करती है। लिंजा कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में क्यूमो लिंजा से अपने उस केस के बारे में डिस्कस करती है और उनसे हेल्प करने को कहती है। यहाँ पे कहता है लिंजा, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सभी मेरे लोग सेटल कर लेंगे। और वो अपने घर की एक उसे की दे देते हैं और कहते हैं आज से तुम वहाँ रहना। ये देखकर यहाँ पे क्यूमो काफी खुश होती है। उसके बाद मिस्टर लिंजा वहाँ से चले जाते हैं। क्यूमो अपने कजन से मिलती है, उनके फेस पे चोट लगी होती है तो वो उनसे माफी मांगती है मिस्टर लिंजा की तरफ से। उसका कजन कहता है मैं ठीक हूँ। यहाँ पर वो उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें उसके फादर की कंपनी के कुछ चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। साथ में वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारा क्या अब रिश्ता लिंजा के साथ ठीक हो गया है। क्यूमो उसे कुछ कहने वाली होती है तभी उसके कज़न के पास कॉल आता है कि उनकी ग्रैंड माँ सीढ़ियों से गिर गई है, अब वो हॉस्पिटल में है। इसलिए वो दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं जहाँ पर क्यूमो से मिलने के लिए उसके पुराने घर वाली सर्वेंट आती है जो उससे कहती है आपकी ग्रैंड माँ के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे लारा और उसकी मॉम का हाथ है। ये बातें मैंने खुद आज सुनी थी, इसलिए अब मैं उनके घर की जॉब को छोड़ रही हूँ और मैंने अपने होम टाउन वापस जाने का फैसला किया है। मैं आपको आपकी मॉम की मौत के बारे में भी सच बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे भी लारा की मॉम का ही हाथ है, उन्होंने ही उन्हें मरने पे मजबूर किया था। ये बात सुन के क्यूमो को बहुत तेज गुस्सा आता है, वो यहाँ पे रोने भी लगती है गुस्से में और कहती है कि अब मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कंपनी में लारा के फादर को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी के काफ़ी सारे सीक्रेट्स बाहर आ गए हैं जिस वजह से उनके जितने भी फंड देने वाले लोग थे सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं फंड देने से और उनके कंपनी के स्टॉक सारे के सारे बहुत ज़्यादा लो होते जा रहे हैं। वो यहाँ पे परेशान होते हैं इस बात से। इस बारे में लिंजा का असिस्टेंट उसे बताता है और कहता है कि वो किसी भी कीमत पे चाहते हैं कि आप उनकी बेटी से मैरिज कर ले और वो आपको उस प्रोजेक्ट के 90% पार्टनरशिप देने को तैयार है। लिंजा ये बात सुन के काफ़ी खुश होता है। इधर हम देखते हैं क्यूमो को जो कि अपनी ब्रदर से पूछती है कि मुझे ये जानना है कि उस समय मेरे डैड के साथ कौन सा असिस्टेंट काम करता था, वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है उनके क्राइम के बारे में। तो यहाँ पे उसका कज़न उसके बारे में उसे कुछ बता देता है जिसके बाद उस पर्सन से मिलने के लिए होटल रूम में जाती है क्यूमो और उसे कुछ पैसे ऑफर करती है, बट वो ठरकी होता है इसलिए उसके ऊपर गंदी नज़र रखता है। यहाँ पे भागते हुए लिंजा का उसके पास आता है। वो यहाँ पे लिंजा को बताता है कि मैडम क्यूमो उस पर्सन से मिलने गई है जो कि काफी ठरकी है। यहाँ पे बात सुनते ही लिंजा ऑफिस से निकल पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्यूमो को, वो यहाँ पे अपना जैकेट निकालने लगती है तो वो पर्सन भी उसे टच करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लिंजा पहुंच जाते हैं और उसे काफी मारते हैं और वहां से भगा देते हैं। लिंजा यहाँ पे उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ आना कितना अनसेफ था, क्या ये तुम्हें नहीं पता है। क्यूमो कहते हैं कि मुझे मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि मुझे एविडेंस चाहिए थे। लिंजा उसे कहता है क्या तुम इस बारे में उससे डिस्कस नहीं कर सकती हो। क्यूमो यहाँ पे रोने लगती है और उन्हें मारते हुए कहते हैं कि आपका मेरे साथ रिश्ता क्या है, कल तो आप किसी और लड़की से मैरिज करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपसे हर चीज़ डिस्कस करूं। वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोती है तो मिस्टर लिंजा उसे हग कर लेते हैं। उसके बाद वो उसे एक पेन ड्राइव उसके हाथ में दे देते हैं और टिश्यू पेपर से उसके आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, और वो वहां से चले जाते हैं। क्यूमो यहां पे काफ़ी ध्यान से उस पेन ड्राइव की तरफ देखने लगती है। उसके बाद दिखाया जाता है लारा की वेडिंग होते हुए। वहाँ पे स्टेज पे एक पर्सन अनाउंसमेंट करता है, अभी हमारी ब्राइड एंट्री करने वाली है इसलिए हम एक म्यूज़िक प्ले करते हैं, लेकिन वहाँ पे म्यूज़िक प्ले नहीं होता है बल्कि कुछ बातें प्ले होने लगती है जिसमें लारा की मॉम कह रही होती है मैंने ही क्यूमो तुम्हारी मॉम को मारा है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लारा को पकड़ लेती है क्यूमो और उसकी मॉम से कहती है या तो तुम मुझे मेरी मॉम की मौत के बारे में सच बताओ वरना मैं तुम्हारी बेटी को अभी मार डालूंगी। तो वहाँ पे उसकी मॉम सब कुछ सच बता देती है लारा की, कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को मैंने कुछ मेंटल होने वाली टैबलेट्स खिलाना शुरू कर दिया था इसलिए उनका दिमाग थोड़ा चलने लगा था, और उसके बाद मैंने उनसे उस दिन कहा था एक डॉल को नीचे डालकर कि तुम्हारी बेटी यहाँ से कूद गई है, जिसके बाद तुम्हारी मॉम ने भी वहाँ से छलांग लगा दी।
यहाँ पे वो कहने लगते कि ये मैंने सिर्फ मजाक के तौर पे किया था, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी मॉम कूद जाएगी। ये सारी चीज़ें उस दिन क्यूमो ने रिकॉर्ड कर ली थी और आज सभी के सामने यही सब चीज़ें प्ले हो जाती है। यहाँ पे वो लोग स्टेज पे जाने लगते हैं इन चीज़ों को बंद करवाने के लिए, बट वहाँ पे क्यूमो माइक लेकर पहुँच जाती है और सबको बताती है कि मेरे डैड और स्टेप मॉम ने मिलकर ही मेरी मॉम को मारा है ताकि वो लोग मेरी मॉम की प्रॉपर्टी और उसकी कंपनी को अपने कंट्रोल में ले सके। यहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे ये सब कुछ बोलने से रोकने लगते हैं, बट क्यूमो कहती है अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि पुलिस अब आपको नहीं छोड़ेगी। वहाँ पे आने वाली होती है लारा, लेकिन ये सब कुछ देखकर वो वहीं पे रुक जाती है और फिर वहाँ पे एंट्री ही नहीं लेती है। वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि लारा के पेरेंट्स को वहाँ से ले जाती है। लारा फिर अपने रूम में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वहाँ पे क्यूमो आती है तो लारा उस पर गुस्सा करती है और कहती है हमारे फादर तो सेम ही थे ना, तो तुमने हमारे फादर को क्यों जेल भिजवा दिया। क्यूमो उससे कहती कि उन्होंने भी मेरी मॉम को मारा था, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जेल नहीं भिजवा रही हूँ क्योंकि तुम भी उस समय एक बच्ची थी मेरी तरह, बट अब तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मिस्टर लिंजा तुमसे मैरिज नहीं करने वाले हैं। तो वहाँ से चली जाती है लारा। तो उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर लिंजा को रेडी होते हुए। वहाँ पे उनका असिस्टेंट कहता है बॉस सच में क्या आप ये मैरिज करने वाले हैं। यहाँ पे उससे पूछता है लिंजा क्या क्यूमो ने अपना काम कर लिया है। वो यहाँ पे कहता है उससे हाँ वो लोग तो जेल जा चुके हैं। यहाँ पे लिंजा कहता है कि आज तो मैरिज मुझे करनी ही है, वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ। असिस्टेंट यहाँ पे उनकी तारीफ करते हैं। उसके बाद जब लिंजा स्टेज पर पहुँच जाता है तो वहाँ पे ब्राइड की एंट्री होती है, तो वहाँ पे ब्राइड बन के आती है क्यूमो जो कि काफ़ी सुंदर लगती है। यहाँ पे लिंजा उससे कहने लगता है मैं चाहूँ तो अभी इस मैरिज के लिए ना भी कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्यूमो उनसे कहते हैं कि आपको ना कहने पे नुकसान ही होने वाला है क्योंकि अब इस कंपनी की हेड मैं बन चुकी हूँ, जो भी आपको आगे काम करना है वो मेरे साथ ही मिलकर करना होगा। यहाँ पे वो दोनों स्टेज पे पहुँच जाते हैं। उन दोनों को रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहा जाता है तो क्यूमो उनसे कहती है वैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या आप अपने बेबी को भी छोड़ना चाहेंगे। मिस्टर लिंजा उसे काफ़ी गौर से देखने लगते हैं, उसे रिंग पहना देते हैं और उसके बाद उसे प्यार से किस भी करते हैं। दोनों की वेडिंग हो जाती है। वहाँ पे मिस्टर लिंजा का ब्रदर भी होता है जो ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके हाथ में एक हैंकी होता है, उसे वो टाइटली पकड़ लेता है और थोड़ा चिल्लाता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लिंजा के ब्रदर ने जब घर में पहली बार एंट्री ली थी तो गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया था और उसे धक्का मार दिया था, तो उस समय उसके हाथ में उसकी मॉम का एक बैंगल होता है जो कि नीचे गिर जाता है। वो यहाँ पे उसे उठाने लगता है तो उस समय आकर उसे ये हैंकी दिया था क्यूमो ने, जिसके बाद ही वो क्यूमो को पसंद करने लगा था। और अब वो यहाँ पे बार बार यही कहता है कि क्यूमो तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती हो। उसके बाद घर पे देखते हैं जहाँ पे लिंजा आता है क्यूमो के पास और उसे कहता है तुम नीचे जाओ। क्यूमो कहते हैं कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो मैं नीचे क्यों जाने लगी। लिंजा कहता है कि डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करने के लिए वेट करे हैं। क्यूमो कहते हैं ओ सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने आपसे झूठ कहा था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यहाँ पे वो उनके पास आके कहते हैं कि आप मेरे साथ बेबी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लिंजा कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो वहाँ से जाने लगता है तो क्यूमो उन्हें पीछे से हग कर लेती है और कहती है मैं आपको बता दूँ कि अब मैं इस बिजनेस की हेड बन चुकी हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं 2-4 होटल अपनी सील कर दूंगी और आपको इससे नुकसान हो सकता है। यहाँ पे उससे लिंजा कहता है क्या तुम मुझे इस तरीके से धमकी दे रही हो। क्यूमो कहते हैं बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कल चल के हम लोग अपने मैरिज के सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है क्यूमो को, वो वहाँ पे मिस्टर लिंजा का वेट कर रही होती है। वहाँ पे लिंजा किसी पर्सन को भेज देता है एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के साथ जिसमें लिखा होता है कि उन दोनों की फेक मैरिज है। ये देखकर यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है क्यूमो को। उधर हमें ऑफिस में दिखाया जाता है लिंजा को, यहाँ पे उसका असिस्टेंट भी उसे इसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा होता है, साथ में कहता है कि उनकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। यहाँ पे लिंजा कहता है कि हमें उसकी मदद करनी होगी क्योंकि हम उसकी कंपनी को बंद नहीं होने दे सकते हैं। तभी वहाँ पे क्यूमो आ जाती है और उन पर गुस्सा करने लगती है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो यहाँ पे लिंजा कहता है तुम्हें सिर्फ मुझसे मैरिज ही तो करनी थी ना, तो मैंने मैरिज कर ली है लेकिन ये सिर्फ 6 महीने की मैरिज है। यहाँ पे वो उसकी बात नहीं सुनते हैं और ऑफिस से बाहर चले जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्यूमो उस फाइल को लेकर उनके पीछे आती है लेकिन तभी वो सैंग से टकरा जाती है। सैंग उस फाइल को उठाता है तो रीड कर लेता है और कहता है अच्छा तो आप दोनों की फेक मैरिज हुई है, आप दोनों अच्छा ड्रामा कर लेते हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं क्या मुझे बता सकती है आप। बट क्यूमो कहती है कि ये सब कुछ झूठ नहीं है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, मस्ती करते रहते हैं, तो तुम हमारे बीच में दखल मत दो। उसके बाद वो उस मीटिंग रूम में पहुंच जाती है कुछ सामान लेकर और कहती है मिस्टर लिंजा को आप मेरे साथ चलिए ग्रैंडमा से मिलने के लिए,
बट लिंजा मना करता है और वहाँ से आ जाता है। तभी वहाँ पे सेंग आ जाता है जो कहता है मैं आपके साथ चलता हूँ, बट उसे क्यूमो मना करती है। लिंजा कहता है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे क्यूमो कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेंग उससे वो सामान ले लेता है और कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि मैं उसी तरफ चल रहा हूँ। यहाँ पे क्यूमो कहती है कि मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं है कि कहाँ जाना है और वैसे मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, लेकिन सेंग तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। तभी पीछे से लिंजा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ की मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरी वाइफ खुद चले जाएंगे। वो वहाँ से उसे लेकर आ जाता है। जब वो दोनों कार में बैठ जाते हैं तो लिंजा उसी कार से उतरने के लिए कहता है। क्यूमो कहते हैं कि अभी तो तुमने मेरे साथ चलने की बात कही थी सेंग के सामने। लिंजा कहता है बट अब मेरा इरादा बदल गया है, तुम कार से बाहर निकलो। क्यूमो कार से बाहर निकलने से मना करती है तो लिंजा कहता है ठीक है तुम कार में बैठ ही रहो, मैं दूसरी कार से चला जाऊँगा। वो ही उस कार से बाहर आ जाता है। उसके बाद देखते हैं क्यूमो को जो कि अपने कज़न के साथ बैठ के बात कर रही होती है। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है, इसलिए वो ऑफिस पहुंचती है जहाँ पे कुछ गुंडे होते हैं जो कि उसके ऑफिस को खाली करवा रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने पैसे नहीं दिए हैं। यहाँ पे वो वही ठगी पर्सन होता है जो कि क्यूमो को पहचान लेता है और कहता है लास्ट टाइम तुमने मुझे धोखा दिया था। लेकिन क्यूमो यहाँ पे उसकी आँखों में पेपर स्प्रे मार देती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, बट उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे वो पर्सन उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो क्यूमो कहती है मेरा हस्बैंड लिंजा है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। तभी वहाँ पे लिंजा आ जाता है और उसके गार्ड्स भी जो कि उन सभी को मारने लगते हैं। यहाँ पे क्यूमो कहते हैं थैंक गॉड तुम समय से आ गए, तुम मेरी परवाह करते हो ना, इसलिए यहाँ पे मेरी मदद करने आए हो ना। बट लिंजा कहता है किसने कहा है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, अरे अगर किसी को बाहर पता चला कि मेरी वाइफ के साथ ऐसा बिहेव करा जा रहा है तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बस मैं तो यहाँ पे अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए आया हूँ। वो यहाँ पे उससे ऐसे कह देते हैं तो क्यूमो गुस्से में उन्हें एक पंच सा मार के चली जाती है। लिंजा यहाँ पे कहने लगता है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत तंग करती है। उसके बाद क्यूमो को रात के समय में ऑफिस में काम करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर आ जाता है सेंग और कहता है मुझे पता चला है कि आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस में, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बट क्यूमो उसकी मदद लेने से मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, बट वो उससे कहने लगता है कि आप मुझे नाम से बुलाया करें, आप मुझे ब्रदर इन लॉ मत कहा करें, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। बट क्यूमो कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नाम से क्यों बुलाने लगी, जो मेरा मन करेगा वो मैं तुम्हें बुलाऊंगी और तुम मुझसे दूर रहो। ये बात यहाँ पे सेंग को अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद क्यूमो घर में अपने अकाउंट्स वगैरह को लेके बैठी रहती है बट उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो मिस्टर लिंजा की मदद मांगती है। लिंजा पहले तो मदद करने से मना करता है बट क्यूमो उनके साथ यहाँ पे फ्लर्ट करती है और कहती है प्लीज़ मदद कर दे। तो यहाँ पे लिंजा उसकी मदद करने लगता है। उसके बाद देखते हैं क्यूमो को नेक्स्ट डे वो अपने कुछ शेयर होल्डर्स के साथ मिलके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन वहाँ पे एक लेडी आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे फादर ने हमसे भी पैसे लिए थे, अभी तक रिटर्न नहीं किए हैं। ये लोग धोखेबाज है। वो उन सभी शेयर होल्डर्स को उसके साथ इन्वॉल्व होने से मना करने लगती है। यहाँ पे क्यूमो कहते हैं कि आपके कितने पैसे हैं मुझे बता दे, मैं रिटर्न कर दूंगी। वो लेडी उससे कुछ ज़्यादा ही पैसे मांगती है तो इसके बदले क्यूमो उसे अपना एक होटल देने लगती है, बट वो लेडी फिर भी यहाँ पे नखरा करती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है। तभी वहाँ पे पीछे से मिस्टर लिंजा आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि कौन कहता है कि इनके पास फंड नहीं है और ये धोखा करेंगे। वो यहाँ पे गारंटी लेने लगते हैं क्यूमो की और कहते हैं कि जिसका भी बैलेंस है इनके ऊपर वो सारा मैं चुकता कर दूंगा, यानी कि उनके लोन मैं पे कर दूंगा। इसके बाद सभी लोग उनकी बात मान जाते हैं। यहाँ पे क्यूमो काफ़ी खुश होकर मिस्टर लिंजा को थैंक्स कहते हैं, बट लिंजा कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे बिजनेस की डील करने आया हूँ, चुपचाप बैठो और एक पेपर पे लिखना शुरू करो। वो यहाँ पे उससे लिखवाते हैं कि अगर तुमने 6 महीने के अंदर मेरे ये सारे पैसे वापस नहीं किए तो तुम अपनी कंपनी को चुपचाप मेरे नाम कर दोगी और इसके बदले कुछ मांगोगी भी नहीं और कोई भी कंडीशन नहीं रख सकती हो तुम। यहाँ पे क्यूमो ये लिखती है और कहते हैं कि फिर फ़ायदा ही क्या हुआ, इससे अच्छा तो मैं कहीं बाहर से पैसे ले लेती। लिंजा कहता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो तरीके से ही तो करूँगा, चाहे तुम मेरी वाइफ हो या फिर ना हो। यहाँ पे क्यूमो ये सब कुछ लिख देती है पेपर पे। लिंजा उस पेपर को ले लेता है और प्यार से उसके चीक पे किस करके उसे गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। क्यूमो यहाँ पे अपने कज़न को कॉल करके कहती है कि कुछ ऐसे लोगों का इंतजाम करो जो हमारे साथ हमारे होटल में टाई अप कर सके। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लिंजा को उनके ऑफिस में, उनका असिस्टेंट उन्हें फाइल देता है और कहता है आपकी वाइफ के ऊपर जितना भी कर्जा था वो हमने चुका दिया है और ये उन सबका लिस्ट है। लेकिन लिंजा उन सारे पेपर्स को फाड़ देता है, कहता है कि मैं उससे कौन से पैसे वापस लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये देखकर असिस्टेंट कहता है फिर आपने मैडम के साथ 6 मंथ की फेक मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करने के लिए कहा है। यहाँ पे लिंजा उन्हें कोई जवाब नहीं देता है। फिलहाल क्यूमो को देखते हैं जो कि अपने एक क्लाइंट से मीटिंग करने जाती है। वहाँ पे पता चलता है कि वो क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि सेंग है। क्यूमो
उसे कहने लगती है, अच्छा तो तुम अपने होटल को मेरे साथ टाई अप करना चाहते हो, फिर तो मुझे इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी पहले। लेकिन सैंग कहता है, आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बातें हमारे बीच में पर्सनल रह सकती है। ऐसा कहकर वो उसे टच करने की कोशिश करता है, बट क्यूमो उसे फाइल थमा देती है। यहाँ पे उससे सैंग कहने लगता है, आप उनसे हर चीज़ को क्यों डिस्कस करती हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस बारे में उन्हें बताएं। तभी पीछे से वहाँ पे लिंजा आ जाता है और कहता है कि किस बारे में तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो। सैंग एकदम से सैंग घबराने लगता है। लिंजा उससे कहता है कि अगर तुम कुछ भी करते हो तो उसके बारे में मुझे पता चल ही जाएगा, क्योंकि फिलहाल कंपनी का इंचार्ज मैं हूँ। यहाँ पे वो सैंग से कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ लगती है, इसलिए तुम इसे नाम से मत बुलाया करो, इसे तुम सिस्टर इन लॉ कहो। लेकिन सैंग वहाँ से तुरंत चला आता है। उसके बाद सैंग कॉल करता है अपने असिस्टेंट को और कहता है, हमारे होटल्स के चार्जेस को 20% ऑफ कर दो, मैं चाहता हूं कि क्यूमो के होटल में कोई भी गेस्ट आकर ना रुके। उसके बाद वो कहता है कि क्यूमो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे लिंजा से कहने लगती है क्यूमो कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या मुझे सरप्राइज देने आए हो। लिंजा कहता है, हाँ बहुत बड़ा सरप्राइज देना है मुझे तुम्हें, क्या तुम भूल गई हो कि तुमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से साइन नहीं किया है, मैं तुम्हें मेल करवा दूंगा। यहाँ पे क्यूमो कहने लगती है, मजाक करना बंद करो, क्या आज रात तुम घर आने वाले हो, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करूंगी। बट लिंजा कहता है नहीं, क्योंकि मुझे ऑफिस में ज़्यादा वर्क करना है। वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, जिससे कि क्यूमो थोड़ी सी इरिटेट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्यूमो की आंखें खुलती है तो उसका बर्थडे होता है। उसे उसके फैमिली मेम्बर्स बर्थडे विश करते हैं, वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन लिंजा को कोई मैसेज नहीं आता है, इसलिए वो थोड़ा अपसेट होने लगती है। तभी लिंजा की कंपनी की तरफ से उसे मैसेज रिसीव होता है, उसे होटल में रात को बुलाया जाता है। ये देखकर क्यूमो काफ़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि लिंजा ने उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया होगा। उसके बाद क्यूमो को दिखाया जाता है, जब वो होटल पहुंचती है तो यहाँ पे एक स्टाफ मेंबर उसे अटेंड करता है, कहता है कि आपके लिए ड्रेसेस बॉस ने मंगवाई है और उसके बाद आपको दूसरे वाले रूम में बुलाया है। यहाँ पे वो ड्रेसेस को देखने लगती है, जिसमें कुछ ड्रेसेस काफ़ी फैंसी होती है। तो ये देखकर कहती है क्यूमो, लिंजा तुम काफ़ी नॉटी हो गए हो, मैं क्या ऐसी ड्रेसेस यहाँ पे पहनूंगी। उसके बाद वो एक सिंपल सी वाइट ड्रेस को अपने लिए चूज़ करती है और फिर दूसरी तरफ पहुँच जाती है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन रहती है, काफ़ी सारे बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्स होते हैं। ये सब कुछ देखकर वो काफ़ी खुश होती है। वो यहाँ पे उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और अपने फ़ोन को एक जगह ऑन करके रख देती है। उसके बाद वो बॉक्स खोलती है तो एक बॉक्स में काफ़ी सारी ट्रॉफी होती है और कुछ लेटर होते हैं कि ये सारी मेरी अचीवमेंट्स है। उन चीज़ों को देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज होने लगती है कि लिंजा मुझे ये सारी चीज़ें क्यों दिखाएगा। उसके बाद फाइनली वो एक बड़े से बॉक्स की तरफ जाती है, जहाँ पर पहले एक छोटा बॉक्स रखा होता है। वो उसे ओपन करती है तो उसे उसमें एक हैंकी मिलता है, जिसे देखने के बाद वो थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, जो भी कोई इस बॉक्स के अंदर है वो बाहर आ जाओ। तुरंत ही उस बॉक्स में से सैंग निकलता है एक बुके लेकर और सैंग यहाँ पे उसे सरप्राइज कहता है और बर्थडे विश करने लगता है। क्यूमो तो उसे देखकर हैरान हो जाती है। सैंग कहता है, देखा मैंने आज तक इस हैंकी को संभाल के रखा है, जो कि हमारे प्यार की निशानी है। क्यूमो कहते कि शायद तुम पागल हो गए हो, यह हैंकी मैंने तुम्हें उस दिन सिर्फ हेल्प करने के लिए दिया था, ये कोई हमारे प्यार की निशानी नहीं है। बट सैंग तो उसके पीछे पड़ जाता है, कहता है कि तुम उसे प्यार करती हो, तुम मना क्यों कर रही हो। यहाँ पे वो उसे जाने नहीं देता है। तभी पीछे से वहाँ पे लिंजा आ जाता है और कहता है कि सैंग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गलतफहमियाँ होने लगी है, ये मेरी वाइफ है, तुम इससे दूर रहो। अगर तुम्हें फ़न करना है तो मैं तुम्हारे लिए लड़कियों का इंतजाम कर सकता हूँ। वो वहाँ पे दो गर्ल्स को बुला लेता है और कहता है, आज मेरे ब्रदर का अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद मिस्टर लिंजा क्यूमो को वहाँ से लेकर आ जाते हैं, कार में देखते हैं, जहाँ पे लिंजा उससे कहता है, क्या तुम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं देखती हो, जहाँ मन करता है वहाँ पहुँच जाती है अपनी आँखों को बंद करके। लिंजा से वो कहने लगती है कि वो मैसेज आपकी कंपनी की तरफ से भेजा गया था, मुझे लगा था कि आपने मुझे सरप्राइज देने के लिए ये सब कुछ प्लान किया होगा। लिंजा यहाँ पे कहता है कि मैं ऐसा क्यों करने लगा, मैं ऐसी बच्चों वाली हरकतें नहीं करता हूँ। तो क्यूमो उससे कहती है, ये कहिए कि आपको वो सब कुछ देखकर जेलस फील हो रहा था। लिंजा कहता है, नहीं मुझे जेलस फील नहीं हुआ। यहाँ पे वो उसके करीब आ जाते हैं। क्यूमो कहते हैं कि आपके फेस से साफ नजर आ रहा है कि आपको जेलस फील हुआ। तो लिंजा उसके करीब आ जाता है। क्यूमो को लगता है कि वो उसे किस करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो उसे किस नहीं करते हैं और कहते हैं कि अपनी सीट बेल्ट लगा लो। यहाँ पे क्यूमो उन्हें दूर कर देती है और कहती है कि मैं खुद लगा लूँगी। अब वो नाराज होकर अपनी सीट बेल्ट लगाने लगती है। उसके बाद लिंजा उसे डिनर कराने के लिए लाता है और उसे यहाँ पे बर्थडे विश करता है, बट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। क्यूमो सोचते कि उसके लिए कोई सरप्राइज आएगा, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं आता है। तो क्यूमो उनसे कहती है, बस इतना ही।
क्यूमो यहाँ पे उनसे कहते हैं कि क्या आप मुझे कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं देंगे, क्या आपने कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया है मेरे लिए। रिंजो कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है। वो यहाँ पे सिर्फ उसे अपने हाथों से फूड खिलाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नाराज हो जाती है और अपना सारा ड्रिंक फिनिश कर लेती है। रिंजा ये सब कुछ देख कर मुस्कुराता है। उसके बाद रिंजा उसे घर लेकर आता है। क्यूमो ने ज़्यादा पी लिया होता है तो वो नशे में उन पे गुस्सा करती है और कहती कि आप अच्छे हस्बैंड नहीं है, आपने मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दिया और आप ये भी नहीं कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो यहाँ पे उसे जाने भी नहीं देती है, पकड़ के रखती है। तो लिंजा कहने लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो अब मुझे छोड़ो। यहाँ पे तभी लिंजा के फ़ोन पे कॉल आता है, लेकिन क्यूमो फ़ोन को लेकर कट कर देती है और कहती है ऐसे नहीं, प्यार से कहिए ना। तो लिंजा यहाँ पे उसे फिर किस करने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिंजा के फादर को, जहाँ पे सैंग बैठा होता है। सैंग कहता है कि ये सब कुछ मेरे ब्रदर ने किया है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सैंग जब इतनी बुरी हालत में आता है तो उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं, सोचते हैं कि वो बेकार की हरकतें करते घूम रहा है। लेकिन सैंग झूठ कह देता है कि मेरे ब्रदर ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और उन्होंने एक बेकार सी कैरेक्टर लेस लड़की के साथ मैरिज कर ली है। जिसके बाद उसके फादर यहाँ पे गुस्से में बैठे रहते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि रिंजा को कॉल करके अभी यहाँ पे बुलाओ, बट असिस्टेंट कहता है कि उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया है। ये बात सुन के रिंजा के फादर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उनके ऊपर। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है क्यूमो को, उसकी आंखें खुलती है तो वहाँ पे लिंजा नहीं होता है। तभी उसे बेड पे अपना बर्थडे गिफ्ट मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है। उसके बाद वो अपने ऑफिस जाकर अपना काम करती है, एक पर्सन से मीटिंग करती है ताकि वो उनके साथ कोलैब कर सके। लेकिन वहाँ पे टांग अड़ाने के लिए सैंग पहुँच जाता है। यहाँ पे सैंग को वो वहाँ से भगा देती है ये कहकर कि क्या कल की रात के बाद तुम्हें सबक नहीं मिला है। सैंग कहता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं जानता हूँ कि आप मुझे चाहती है, बस अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। क्यूमो कहती है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूँगी। जिसके बाद सैंग वहाँ से चला जाता है। क्यूमो के पास उसका एक गार्ड आता है और उसे एक पार्टी का इनविटेशन देता है, जो कि लिंजा के फादर की तरफ से आता है। इसलिए क्यूमो उस पार्टी में पहुँच जाती है, जहाँ पे एक लड़की उसकी इंसल्ट करने लगती है तो क्यूमो की उससे फाइट हो जाती है। तभी यहाँ पे लिंजा के फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो मैनर्स ही नहीं है। यहाँ पे क्यूमो कहते कि शायद आपने यहाँ पे मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे बुलाया है। तो क्यूमो के फादर गार्ड्स को गुस्से में उसे पकड़ के पार्टी से बाहर निकालने के लिए कहने लगते हैं। तभी लिंजा आ जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को कोई टच नहीं करेगा। उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लिंजा यहाँ पे अपने असिस्टेंट से कहता है कि फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इन्हें यहाँ से ले जाओ। और उसके बाद वो पार्टी में जितने लोग होते हैं उन्हें फ़ोन करता है, कहता है कि मेरी वाइफ के साथ ऐसा कोई बिहेव नहीं करेगा। उसके बाद दिखाया जाता है लिंजा अपने फादर से बैठ के बात करता है। उसके फादर कहते हैं कि मैं ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम उसे डिवोर्स दे दो, बट लिंजा मना करता है। उसके फादर उसे बिजनेस से निकालने की बात कहते हैं। लिंजा यहाँ पे उनसे कह देता है आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, बट मैं अब अपनी वाइफ से दूर नहीं रहूंगा। उसके बाद देखते हैं क्यूमो को, जो कि लिंजा के पास आकर कहने लगते हैं मैंने सुना है कि आपने अपने फादर से फाइट किया, वो भी मेरे लिए, इसका मतलब यह है कि मैं आपके दिल में पूरी तरीके से हूँ। वो यहाँ पे उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है तो लिंजा उसे प्यार से किस करता है। आगे क्यूमो को देखते हैं जो कि एक पर्सन को अपना होटल दिखाने के लिए लाती है। तभी वहाँ पे एक लेडी भागते हुए आती है और कहती है कि तुम्हारे होटल का स्टाफ कैसा है, तुम्हारे इस वेटर ने मेरे रूम में घुसकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। क्यूमो उन दोनों को ही काफ़ी गौर से देखती है। यहाँ पे वो वेटर उससे माफ़ी मांगने लगता है, क्यूमो से कहता है कि मुझसे गलती हो गई है। यहाँ पे वो लेडी कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारे होटल को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे होटल की रेपुटेशन को ख़राब कर दूंगी। यहाँ पे क्यूमो से वो कहते हैं कि मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। क्यूमो कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं ही पुलिस को कॉल कर देती हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो दोनों एकदम से डर जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस को मत बुलाइए। क्यूमो कहते हैं कि मैं अपने हर एक स्टाफ को जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये मेरे होटल का वेटर नहीं है, तुम दोनों जो ड्रामा कर रहे हो वो भी मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद देखते हैं क्यूमो के साथ जो पर्सन वहाँ पे आता है वो उससे कहने लगता है कि मैं आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके होटल की तो रेपुटेशन भी ठीक नहीं है और यहाँ पे रोज़ नए नए ड्रामे होते हैं। ऐसा कहकर वो पर्सन चला जाता है। क्यूमो यहाँ पे परेशान होती है। उसके बाद उसे सैंग नजर आता है, जिसे वो आवाज़ देकर अपने पास बुलाती है और कहती है ये सब कुछ तुम कर रहे हो ना, तुम किसी भी और पर्सन को मेरे साथ काम करने से रोक रहे हो। सैंग कहने लगता है हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन आपके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि आप मेरे पास आ जाए, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी।
क्यूमो कहने लगते हैं कि शायद तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। सेंग कहता है कि वो आपकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। क्यूमो यहाँ पे उसे एक वीडियो दिखाती है और कहती है शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो जरूर मुझ पे भरोसा करेंगे। तो सेंग उससे फ़ोन छीनने लगता है वीडियो को डिलीट करने के लिए। तभी वहाँ पर आ जाता है लिंजा और उसे फ़ोन ले लेता है, कहता है कि अब ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो फ़ोन अपने फादर को दिखा देता है। फादर उसकी वो पर्दे वाली हरकत देख लेते हैं और यहाँ पे सेंग पे गुस्सा करने लगते हैं। सेंग उनसे माफ़ी मांगता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लिंजा और क्यूमो को पहले ही पता होता है कि सेंग उनके होटल में क्या प्रॉब्लम करने वाला है, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब फादर को उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए। यहाँ पे सारी प्लानिंग उन दोनों की ही थी। घर आने पे कहने लगती है लिंजा से क्यूमो, अब आप मुझे थैंक्स कैसे कहेंगे, आज मैंने आपकी काफ़ी बड़ी हेल्प की है आपके फादर के सामने, सेंग की सच्चाई मैं लेकर आई हूँ। तो उसे अपनी गोदी में उठा लेते हैं मिस्टर लिंजा और उसे प्यार से किस करते हैं। उसके बाद देखते हैं वो मीडिया के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि लिंजा और क्यूमो की कंपनी साथ में मिलके एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाली है, जहाँ पे एक लड़की होती है जो कि उन पर नज़र रख के रखती है। आगे दिखाया जाता है लिंजा के फादर को, जो कि उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें एक बड़ी सी वेडिंग करनी चाहिए, बट लिंजा मना कर देता है जिससे कि क्यूमो नाराज़ होती है। उसके बाद जब लिंजा घर आता है तो क्यूमो उससे दूर रहती है। लिंजा कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझसे छिपने की कोशिश क्यों कर रही हो। क्यूमो कहती है कि हमारा रिश्ता ही क्या है। लिंजा कहता है कि तुम मुझे पूरा दिन हस्बैंड कहती हो, तो फिर बताओ हमारा रिश्ता क्या हुआ, हम दोनों हस्बैंड और वाइफ है। क्यूमो कहने लगती है कि आपके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट है तो मुझे दिखा दे। लिंजा यहाँ पे मुस्कुराने लगता है और कहता है अच्छा तो अब तुम मुझे ऐसे तंग करोगी। तभी यहाँ पे क्यूमो को वोमिट फील होने लगती है, वो वहाँ से उठ के वॉशरूम की तरफ जाती है। नेक्स्ट डे देखते हैं क्यूमो को वो डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस बारे में मिस्टर लिंजा को कॉल करके बताने लगती है, बट वो उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं। कुछ देर बाद लिंजा उसे कॉल करता है और कहता है कि तुमने कॉल क्यों किया था मुझे बताओ। क्यूमो सोचती है कि उन्हें ऐसे नहीं बताऊंगी, मिलके बताऊंगी, इसलिए यहाँ पे फिलहाल वो उन्हें कुछ नहीं बताती है। लिंजा उसे एक रात की पार्टी में आने के लिए कहता है। उसके बाद पार्टी में लिंजा को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसका वेट करता है। अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता करो वो अभी तक क्यों नहीं आई है। लिंजा को स्टेज पे बुलाया जाता है, वो स्टेज पर पहुंच जाता है स्पीच देने के लिए। इधर क्यूमो को पार्किंग एरिया में देखते हैं, जहाँ पर वो दो गुंडों को देखते हैं जो कि मिस्टर लिंजा की कार के ब्रेक्स फेल कर रहे होते हैं, इसलिए वो उनका वीडियो बनाने लगते हैं। बट वो गुंडे उसे देख लेते हैं तो उसके पीछे भागने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए। तभी वहाँ पर मिस्टर लिंजा आ जाते हैं जो कि उनसे फाइट करते हैं, और इस चक्कर में उनका हाथ घायल हो जाता है। फिर घर पर दिखाया जाता है जहाँ पे क्यूमो उनका ध्यान रख रही होती है। लिंजा का असिस्टेंट कहता है इसके पीछे आपके ब्रदर का हाथ नहीं है बल्कि किसी लेडी का हाथ है। आगे हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि एक होटल रूम में जाती है। तभी वहाँ पे आ जाता है उससे मिलने के लिए लिंजा का ब्रदर, वो लेडी और कोई नहीं बल्कि होती है लारा। यहाँ पे वो उससे कहने लगता है कि तुम अपना एक काम अच्छे से नहीं कर पाई। तो लारा उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी जिसके पीछे तुम पागल हो, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली है, क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, वैसे भी हम दोनों मिस्ट्रेस के बच्चे हैं। ये बात सुन के उसी के ऊपर गुस्सा करने लगता है सेंग और कहता है कि मेरे बारे में ऐसा मत कहना। आगे दिखाया जाता है लिंजा को जो कि अपनी मॉम की ग्रेव पर लेकर जाता है क्यूमो को। दूर से उन्हें देख रहे होते हैं सेंग और लारा भी। लारा कहने लगती है क्यों ना मैं मिस्टर लिंजा की मॉम की ग्रेव को यहाँ से हटा दूँ, इससे उन्हें काफ़ी हर्ट होगा। लेकिन उसे ऐसा करने से रोक देता है गुस्से में सेंग, कहता है कि वो मेरी मॉम है, उनके साथ तुम ऐसा नहीं करोगी। सो यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अपनी मॉम की मौत के बाद पहली बार घर आता है सेंग, तो उसका यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखती है लिंजा की मॉम, लेकिन उसका बिहेव थोड़ा अजीब सा होता है इसलिए वो उससे थोड़ी दूरी बना लेती है। जब वो लिंजा का ध्यान रखती है तो ये देखकर सेंग को बुरा लगता है, अब वो हमेशा उनके पास आकर उन्हें मॉम मॉम कहने लगता है। तो लिंजा की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे आंटी कहा करो। ये बात सेंग को पसंद नहीं होती है कि हर चीज़ लिंजा को क्यों मिलती है, मैं उनसे अपनी हर चीज़ छीन लूँगा। यहाँ पर वो थोड़ा मेंटली डिसेबल मतलब सिक टाइप सा दिखाया जाता है। उसके बाद देखते हैं क्यूमो को जो कि लिंजा के फादर से मिलने के लिए उनके घर पे आती है। सर्वेंट उसे वेट करने के लिए बोल देती है इसलिए वो बैठ के वेट कर रही होती है, लेकिन पीछे से एक सर्वेंट आती है जो कि उसे एक इंजेक्शन मार के बेहोश कर देती है। उसके बाद देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि लारा होती है।
जब यहाँ पे होश आ जाता है क्यूमो को, तो वो उसे मारने की धमकी देने लगती है, लेकिन वहाँ पे लिंजा आकर उसे बचा लेता है और डॉक्टर के पास ले आता है, जहाँ पे लिंजा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे लिंजा उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। क्यूमो कहते हैं कि तुम्हें मेरी परवाह है या फिर बेबी की। लिंजा यहाँ पे कहने लगता है कि मुझे तो बेबी की परवाह है, तो क्यूमो थोड़ा चिढ़ जाती है। लिंजा कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे तुम दोनों की ही परवाह है। यहाँ पे दूर से उन्हें सैंग देख रहा होता है और उसे गुस्सा आता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिंजा और क्यूमो को घर पे, जहाँ पे वो फादर को इस बारे में बता देते हैं। फादर काफ़ी खुश होते हैं और वो कुछ पेपर्स पे साइन करके दे देते हैं लिंजा को और कहते हैं कि आज से कंपनी के हेड तुम हो। सैंग ये सब कुछ देखता है तो उसे बुरा लगता है। क्यूमो अपने रूम में चली जाती है और लिंजा किसी काम से बाहर जाता है, तो वहाँ पे सैंग आ जाता है अपने फादर के पास और कहने लगता है कि आप सब कुछ उसे नहीं दे सकते हैं, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आपको भी यही लगता है कि मैं आपकी कंपनी को नहीं चला सकता हूँ? यहाँ पे वो उन पर गुस्सा करने लगता है और फोर्सली उनसे पेपर्स पे साइन करने के लिए कहता है, जिससे कि उसके फादर की तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पे लिंजा आ जाता है और कहता है कि फादर के हाथ में अब कोई भी पावर नहीं है, साइन मुझे करने पड़ेंगे तभी तुम्हें एक कंपनी मिलेगी। तो उसके पास पहुँच जाता है यहाँ पे मिस्टर सैंग और कहते कि तुम साइन कर दो। यहाँ पे उससे कहने लगता है लिंजा कि तुम पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम इतने साल मेंटल हॉस्पिटल रह आए हो फिर भी तुम ठीक नहीं हुए हो। यहाँ पे वो उसे मेंटल कहने लगता है और हॉस्पिटल जाने की बात कहता है। तो सैंग और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं मेंटल नहीं हूँ, तुम मुझे ऐसे मत बुलाओ। यहाँ पे उससे कहता है लिंजा, क्या तुम अपनी मॉम के बारे में भूल गए हो कि वो भी इतने सालों तक मेंटल हॉस्पिटल में ही रही थी? एकदम से वो अपनी मॉम के बारे में याद करने लगता है सैंग। तभी डॉक्टर पीछे से उसे एक इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है क्यूमो और लिंजा को, जो कि अपने मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यहाँ पे क्यूमो काफ़ी खुश होती है, तो मिस्टर लिंजा भी उसे गोदी में उठाकर घुमाने लगते हैं। आगे दिखाया जाता है 3 महीने बाद क्यूमो घर से बाहर जा रही होती है, तो लिंजा उसे रोक देता है और कहता है तुमने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तुम कहीं नहीं जा सकती हो, बेबी के लिए तुम्हें फूड पहले खाना होगा। वो उसे ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट करने के लिए बिठा देते हैं। वो मना कर रही होती है, कहती कि मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। लिंजा कहता है कि मीटिंग किसके साथ है, जहाँ भी है जब भी है मैं लेके जाऊंगा, अकेले तुम कहीं नहीं जाओगी। वो यहाँ पे उसे काफ़ी अच्छे से पैम्पर कर रहे होते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्यूमो भी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद रात के समय में दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंजा आकर उसे कहने लगता है 6 महीने हो गए हैं, अब तुम मेरे साथ कहीं भी घूमने नहीं जाती हो, मेरे साथ पार्टी में चलो। लेकिन क्यूमो मना कर देती है और कहती कि मुझे कल अपनी मीटिंग अटेंड करने जाना है, वो भी जल्दी मॉर्निंग में, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। लिंजा कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो। क्यूमो कहते कि प्यार मोहब्बत वेडिंग फीलिंग्स वगैरह ये सारी बेकार की चीज़ें हैं, हमें अपने प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए। वो मिस्टर लिंजा का डायलॉग ही उन्हें चिपका देती है। लिंजा कहता है अच्छा इसका मतलब ये है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे ऐसे तंग कर रही हो। वो यहाँ पे हंसते हुए कहने लगती है ऑफ कोर्स अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लिंजा कहता है ऐसा नहीं है, रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। वो यहाँ पे अपने कोट को निकालने लगते हैं। क्यूमो कहती है ये आप क्या कर रहे हैं। लिंजा उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें इतना बोर कर दूंगा कि तुम अब घर में रहना ही नहीं चाहोगी, अब फिर मेरे साथ बाहर चलोगी। वो यहाँ पे उसके सामने अजीब गरीब सा डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर यहाँ पे क्यूमो काफ़ी मुस्कुराती है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लारा को भी जेल हो जाती है, क्योंकि उसने क्यूमो को मारने की कोशिश की थी, और जो सैंग होता है उसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है। और यहाँ पे इसी हैप्पी मोमेंट के साथ दोस्तों ये ड्रामा खत्म हो जाता है। असल में यहाँ पे सैंग के कैरेक्टर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिसेबल था, मतलब सिक था। वो जिसके लिए भी थोड़ा सा ऑब्जेस हो जाता था तो उसके पीछे पड़ जाता था, इसलिए वो यहाँ पे लिंजा की मॉम और क्यूमो के पीछे पड़ जाता है। बट फाइनली इस ड्रामे की दोस्तों कुछ इस तरीके से हैप्पी एंडिंग हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि ड्रामा पसंद आया होगा। ड्रामा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।